ट्रेन का ट्रायल रन आज होना है कटरा में। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को दिखाई जाएगी हरी झंडी। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक नई वंदे भारत ट्रेन का आज ट्रायल रन होगा कटरा में। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। और इस कार्यक्रम की पूरी तफसील जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने वरीय सहयोगी मनोज कौल का। मनोज, पूरी डिटेल क्या है? देखिए विशाल, आज मुल्क के कई हिस्सों में वंदे भारत ट्रेन जो है उसको हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ कटरा से भी ये वंदे भारत एक्सप्रेस अब चलेगी। इससे पहले हमने देखा कि जो यहाँ 2019 में वंदे भारत दिल्ली से कटरा के लिए शुरू की गई थी, लेकिन वापसी पर जो जितने भी लोग वहां से आते थे, खासतौर पर जो तीर्थयात्री आते थे कटरा के लिए, वो जो बाकी नॉर्मल ट्रेन थे उनमें वापस जाते थे। लेकिन अब ये जो ट्रेन है वो यहाँ से रिटर्न भी होगी और इससे जो सफर है जम्मू से कटरा से दिल्ली का वो 6 से 7 घंटे का होगा, यानी कम से कम 4 से 5 घंटों का सफर जो है वो कम हो जाएगा। और आज जो कार्यक्रम है उसमें 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये इसको हरी झंडी दिखाएंगे और यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहां मौजूद रह सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक बहुत बड़ी फैसिलिटी क्रिएट होगी। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं लाखों की तादाद में जो माता वैष्णो देवी के भवन में दर्शन करने के लिए आते हैं हर साल, और इस साल हम देखते हैं कि ये इस वक्त शुरू की गई है जब नया साल शुरू होने वाला है। हमने देखा कि जो नए साल के मौके पर कई श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचते हैं माता वैष्णो देवी के भवन में, और उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात होगी। और साथ ही जो और बाकी यहाँ के जो लोग हैं, खासतौर पे उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, जो लोग ट्रेन का सफर करना चाहते हैं और कटरा या उधमपुर से वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो उनके लिए ये वंदे भारत एक बहुत ही काफी मुफीद साबित हो सकती है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये ट्रेन जो है 6 से 7 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगी, इसका काफी समय से इंतजार भी था और एक बहुत बड़ा तोहफा, हम ये कह सकते हैं कि नए साल का तोहफा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और तीर्थयात्री के लिए नरेंद्र मोदी की तरफ से। जी, तो आज थोड़ा मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को जरा एक बार इसके बारे में बता दें कि आज इसका ट्रायल रन है या फिर बाजाब्ता आज से इसकी शुरुआत हो रही है, इसे हरी झंडी दिखाई जा रही है। देखिए, जो रेलवे हुकाम की तरफ से ये बताया गया है कि ये आज से शुरू होगी और इसके बाद लगातार ये चलेगी और यहाँ शाम के समय पर यहाँ से चलेगी। अभी पूरा एक्चुअल टाइमिंग क्या होगी इसकी उसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन जो वंदे भारत है, वंदे भारत जब दिल्ली से यहाँ आती थी तो उसमें काफी सुविधा लोगों को होती थी। जैसे मैंने बताया कि जो रिटर्न का वंदे भारत थी वो नहीं थी, इसलिए जो भी लोग वंदे भारत से या बाकी ट्रेनों से आते थे तो जो वंदे भारत से भी आते थे उन्हें बाकी ट्रेनों में जाना पड़ता था। लेकिन अब जबकि ये सुविधा उपलब्ध की गई है तो इससे जो वापसी पर भी जो यात्री हैं जो वंदे भारत से यात्रा करेंगे उनका समय जो है 5 से 6 घंटे तक का समय बच जाएगा, क्योंकि ये ट्रेन जो है फास्ट ट्रेन है, इसके कम स्टॉप है, कम स्टॉप्स पे रुकती है, जिसकी वजह से ये 6 से 7 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगी। और इस तरह से यात्रियों के साथ साथ जो यहाँ के लोकल लोग हैं जिनको जो यात्रा करना चाहते हैं उधमपुर से, कटरा से या जम्मू से दिल्ली का, उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा साबित हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए मनोज। तो ये आपको इस वक्त हमने अहम खबर दी है। आज कटरा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाई जाएगी।